y'all. So hey guys, it's me Deepak Hunters and welcome back to my YouTube channel and I hope you are doing absolutely fine. So आज मैं लेके आया हूँ एक बार फिर से आप लोगों के लिए सेकेंड हैंड स्कूटी एंड कुछ बाइकें भी आपको मिलेगी यहाँ पे. तो अभी मैं हूँ रांची के बूटी मोड़ में विले डीलर के सेकेंड ब्रांच पे. तो आज आपको काफ़ी अच्छी डील पे आपको स्कूटी एंड बाइक देखने को मिलेगी. तो उससे पहले अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों अपने फैमिली रिलेटिव के साथ भी शेयर करना, ताकि जिस हिसाब से आपका भाई मेहनत कर रहा है आप लोग भी थोड़ा फ़र्ज बनता है कि आप लोग भी इतना ज़्यादा सपोर्ट करें. तो चलिए ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए हम लोग मिलाते हैं आपको हमारे भैया से. तो भैया सबसे पहले हमारे ऑडियंस से एक बार हाई बोलना. भैया आपका नाम बताइए. ओके, तो भैया आज जो स्कूटी एंड कुछ बाइकें हैं क्या रेंज में मिलेगी हमारी ऑडियंस का, कितने प्राइस में स्टार्टिंग हो जाती है? स्टार्टिंग प्राइस अभी 24 से. तो सिर्फ 24,000 से आपको यहाँ पे बाइक एंड स्कूटी मिल जाएगी, है ना? तो ये विले डीलर का सेकंड ब्रांच है जी, बूटी मोड़ है, गुमला मार्केट. ओके, गुमला मार्केट बूटी मोड़ में आपको मिल जाएगी. तो भैया अगर यहाँ पे किसी को आना रहेगा तो एड्रेस एंड क्या क्या यहाँ पे लेने के लिए क्या क्या फाइनेंस वगैरह हो जाएगा यहाँ पे? फाइनेंस नहीं होता, कैश परचेस है. ओके, और बूटी मोड़ उतर के फोन करें, बगल ही में है बस स्टैंड के पास. ओके, बाकी भैया का नंबर हम आपको डिस्प्ले में दे देंगे, आप डिस्प्ले में देख सकते हैं, बाकी के डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. तो भैया आज कौन सा गाड़ी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले? भैया ये सुजुकी का जिक्सर है. ओके, सुजुकी का जिक्सर 2015 मॉडल है. ओके, ये रनिंग कितना है? रनिंग है देखना पड़ेगा, वही 25,000-30,000 के आसपास चला हुआ है. ऑलमोस्ट 25,000-30,000 किलोमीटर चली हुई है. मॉडल कितना बताए? 2015 मॉडल है. ओके, और ये फर्स्ट ओनरशिप है या सेकंड? फर्स्ट ओनर है. फर्स्ट ओनर है. ओके, तो इसका प्राइस क्या होने वाला है? इसका प्राइस आपको 48 पड़ेगा. तो सिर्फ 48,000 में ये गाड़ी आपको मिल जाएगी. बाकी की आप देख सकते हैं टायर की कंडीशन, MRF का टायर लगा हुआ है और कहीं से कोई डेंटिक पेंटिक ऐसा कुछ है नहीं? नहीं नहीं, सब ओरिजिनल है. सारा ओरिजिनल मिलेगा, पेपर वर्क सारा ओके मिलेगा. जी जी जी. ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे एक ब्लैक कलर की है प्लेजर, रांची की है, 2013 मॉडल. 2013 मॉडल है. ओनरशिप कितना होगा इसका? फर्स्ट ओनर है. ओके, रनिंग? रनिंग चला हुआ है 14,000 किलोमीटर. तो ऑलमोस्ट 14,000 किलोमीटर चली हुई है ये प्लेजर. इसका प्राइस क्या हो जाएगा? इसका आपको 24 पड़ेगा, 24,000. सिर्फ 24,000 जी. बाकी ऑन द टेबल नेगोशिएबल अवेलेबल है? हो जाएगा. ओके, तो ऑन द टेबल आप आके आराम से बात कर सकते हैं, नेगोशिएबल हो जाएगा. होंडा डियो है. ओके, 2016 मॉडल है. इसका प्राइस आपको पड़ जाएगा 38,000-38,000. 38,000 चल जाएगा जी. ओके, और नेगोशिएबल इसमें भी अवेलेबल है? हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा. किलोमीटर कितना रनिंग है इसका? चला हुआ है 40,000-39,000. 39,000. ओके, चलिए एक और हम लोग देखेंगे जो लुक वाइज भी देखे एंड कलर वाइज भी काफ़ी बेहतरीन लग रही है. तो इसका क्या डील होने वाला? ये 2020 मॉडल वेस्पा है. ओके, इसका नया में 1,35,000 है. इसको आपको मात्र 65,000 में मिलेगा. सिर्फ 65,000 में आप देख लीजिए गाड़ी. MRF का इंश्योरेंस किया हुआ है, 5 साल का इंश्योरेंस किया हुआ है जी. पेपर वगैरह सारा ओके मिलेगा. जी जी. तो आप देख ले टायर की कंडीशन देख ले आप. फर्स्ट टायर में MRF की टायर लगी हुई है, बाकी कहीं से कोई स्क्रेच वगैरह ऐसा मिलेगा नहीं. इसके बाद हम लोग देखते हैं हीरो का. हीरो का मेस्ट्रो आएगा 2016 मॉडल. हीरो का मेस्ट्रो 2016 की मॉडल है. रनिंग कितना होगा भैया? ये 17,000 चला हुआ है. 17,000 चली हुई है गाड़ी. ओनरशिप? ओनरशिप फर्स्ट है. फर्स्ट ओनर है. ओके, मॉडल है 2016. प्राइस इसका आपको 32,000 पड़ेगा. 32,000 ऑन द टेबल नेगोशिएबल इसमें भी अभी. चलिए ये देख ले. इसके बाद हम लोग एक और गाड़ी देखेंगे होंडा की. होंडा एक्टिवा 125cc है. 125cc की है. मॉडल है 2015. ओके, रनिंग कितना है भैया इसमें? चला हुआ है 76,000 चला हुआ है. तो 76,000 किलोमीटर चली हुई है गाड़ी. व्हाइट कलर की कंडीशन में है. चला हुआ ज़्यादा है लेकिन गाड़ी फुल कंडीशन में. इंश्योरेंस? इंजन वगैरह एकदम फ्रेश है. इंश्योरेंस इसका किया हुआ अभी जून तक है. बाकी अगर कोई भी ऑडियंस यहाँ से लेते हैं गाड़ी तो कोई भी तरह के काम करवाना पड़ेगा उन लोगों को? बस खाली एक सर्विसिंग कराना है, बाकी गाड़ी में कोई काम नहीं कराना. कस्टमर खुद ही करवाएंगे? हाँ. ओके, तो बाकी की डिटेल्स. प्राइस आपको 34 पड़ेगा.
तो 34,000 में ये गाड़ी आपको मिल जाएगी, फर्स्ट ओनर की गाड़ी है। इसके बाद हम लोग एक और देखेंगे हीरो के प्लेजर। हीरो का प्लेजर है 2015 मॉडल, 2015 मॉडल है, रांची की ही गाड़ी है। ओके, रनिंग कितना होगा भैया इसका? रनिंग आपको 18,000 है। तो 18,000 किलोमीटर चली हुई है ये स्कूटी, और फर्स्ट ओनर है या सेकंड? फर्स्ट ओनर है। प्राइस इसका आपको 34 पड़ेगा। इसमें इंश्योरेंस वगैरह पेपर है? ओके, इंश्योरेंस आपको अलग से कराना होगा, नाम ट्रांसफ़र अलग से, नाम ट्रांसफ़र अलग। अच्छा, और एक चीज़ क्लियर करना चाहेंगे भैया, अगर कोई यहाँ पे गाड़ी लेती है तो उसका पेपर वगैरह ओके करने का या फिर नाम ट्रांसफ़र करने का आपको 2,500 अलग से लगेगा, प्लस इंश्योरेंस फेल रहेगा तो 1,200 इंश्योरेंस का लगेगा एक साल का। ये कुछ चार्जेस आपको देनी पड़ेगी, है ना? ये अलग लगेगी, ठीक है। तो ये कुछ डिटेल्स रहा, बाकी हम लोग एक और देखेंगे, हीरो होंडा CVZ है ना? CVZ एक्सट्रीम है, 2011 मॉडल। ओके, तो 2011 की मॉडल है CVZ। बाकी टायर की कंडीशन देख ले, एटलीस्ट 50-60% अभी भी कंडीशन में है, और रांची की ही गाड़ी है, ब्लैक कलर की है। तो भैया इसका क्या डील होने वाला आज? इसका आपको प्राइस पड़ जाएगा 36। तो सिर्फ 36,000 में ये गाड़ी आपको मिलेगी, और काफ़ी वेल मेंटेन गाड़ी है, आप आराम से इसको ले सकते हैं। ऑनरशिप फर्स्ट है ना ये भी? ओके, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जितनी भी गाड़ी आपको दिखेगी सारी गाड़ी फर्स्ट ओनर की ही मिलेगी, तो आप आराम से आके ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। पल्सर 150 है। ओके, 2017 मॉडल है, पल्सर 150 जी। ओके, तो ये रनिंग कितना होगा भैया? रनिंग इसका 30,000। तो सिर्फ 30,000 चली हुई है गाड़ी, बाकी कोई काम इसका ऐसे? गाड़ी में कोई काम नहीं, बस खाली सर्विसिंग कराना, कोई भी गाड़ी लीजिए और सर्विसिंग कराइए। यहाँ पे जो भी गाड़ी लीजिएगा किसी भी तरह का कोई काम करवाना नहीं पड़ेगा आपको, सिर्फ थोड़ा बहुत सर्विसिंग करवाना तो वो ऐसे भी करवाना पड़ेगा आपको। रनिंग कितना है इसका? 30,000। तो सिर्फ 30,000 किलोमीटर चली हुई है, फर्स्ट ओनर की गाड़ी है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, इसका प्राइस 58,000। तो सिर्फ 58,000 में ये गाड़ी मिलेगी। तो ये एक बार फिर से देख लीजिए, कुछ कलेक्शन है आज यहाँ का, बाकी आप लोग देख ही रहे। बाकी ये सेकेंड ब्रांच है, फर्स्ट ब्रांच, फर्स्ट ब्रांच कहाँ है भैया एक बार बता दीजिए? कोकर, कोकर मोड़ के सामने है ना? कोकर चौक। तो कोकर चौक के सामने आपको इसका फर्स्ट ब्रांच मिल जाएगा। बाकी हम लोग अंदर चल के बात करते हैं एक बार, क्योंकि ये मेन रोड आप देख सकते हैं, ये मेन रोड है, यहाँ पे आके आराम से, ये बूटी मोड़ है सामने, यहाँ से आके आप आराम से डील कर सकते हैं। चलिए, तो ये रहा कुछ आज का कलेक्शन। आई होप कि आपको आज का कलेक्शन काफ़ी अच्छा लगा होगा, क्योंकि कलेक्शन काफ़ी अच्छी अच्छी है, और जितनी भी गाड़ी यहाँ पे देखने को मिली है सारी फर्स्ट ओनर की गाड़ी है, रनिंग काफ़ी कम है, प्राइस रिजनेबल है, आप आराम से अफोर्ड कर सकते हैं। तो भैया अगर हमारे थ्रू से कोई आते हैं, हमारे जो भी व्यूअर्स आते हैं, तो उनको कुछ स्पेशल डिस्काउंट मिलने वाला है यहाँ पे? देखिए, आपके चैनल के थ्रू जो भी आएगा, जो भी रेट होगा गाड़ी का, उसमें 1-2,000 कम होता है। ओके, प्लस आपके नाम से 1,000 और कम करते हैं। चलिए, ये रहा डील, आपका बेस्ट डील रहा, क्योंकि 1-2,000 जो है वो तो नेगोशिएबल है ही, बाकी आप मेरे चैनल के थ्रू से आते हैं, अगर आप बताते हैं कि मेरे चैनल के थ्रू दीपक हंड्रेड के थ्रू से आए, उसमें भी आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगी, तो आराम से गाड़ी ले सकते। बाकी एक बार फिर से आपको कन्फर्म करवा दें, अगर कोई बाइक लेते हैं या किसी भी तरह की परचेज करते हैं, यहाँ पे बाइक सेल कर भी सकते हैं? जी जी, या सेल भी कर सकते हैं, परचेज भी कर सकते हैं, बाकी पेपर ट्रांसफर का एक्स्ट्रा चार्ज लग जाएगा आपका। एक बार एड्रेस फिर से बता देगा? ये बूटी मोड़ गुमला मार्केट, जहाँ पे बस उस रुकता है, बूटी मोड़ चौक पे ही है। बाकी कॉन्टेक्ट डिटेल आपको डिस्प्ले में देखने को मिल जाएगी, और डिस्क्रिप्शन में भी एड्रेस वगैरह गूगल मैप हम डाल देंगे, आप आराम से आके आ सकते हैं, भैया को कॉल कर सकते हैं। भैया टाइमिंग क्या रहेगा कॉल करने का? सुबह 10 बजे शाम 7 बजे तक। तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे भैया के साथ, और बाकी की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, आप आराम से देख सकते हैं। तो आई होप कि आज का वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, एंड आज की जो कलेक्शन है काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं फिर किसी इसी तरह अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड व्हाटएवर यू वांट टू डू जस्ट डू इट।